गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम लोग क्राइम्स अपराध से संबंधित चर्चा करेंगे। इसमें दो पात्र हैं, अशोक और प्राण। दोनों एक बेईमानी का पक्ष लेता है, दूसरा ईमानदारी का पक्ष लेता है। कैसे कैसे देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, इससे संबंधित बातों पर यहां चर्चा की गई। इसके पहले वाले वीडियो में अपराध की शुरुआत की गई थी। अशोक कहता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आरएसटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्राण उसी पर कहता है, लेकिन मैं तो बेईमानी पसंद करता हूं, इसे ही आई लाइक डिसऑनेस्टी। दोनों में बहस छिड़ जाती है। अब बहस छिड़ते छिड़ते यहां तक बात आ जाती है तो अशोक समझाता है, तुम एक बात भूल रहे हो, मेहनती आदमी को अधिक परिश्रम इसलिए करना पड़ता है कि उसके देश में बहुत से लोग समय गंवाते हैं। एक तरफ मेहनती आदमी है, दूसरी तरफ बेकार में समय गंवाने वाले लोग हैं, तस्करी करने वाले, पॉकेट मारी आदि है। उसी पर बहस चल रही है तो अशोक कह रहा, तुम एक बात भूल रहे हो, मेहनती आदमी को अधिक परिश्रम इसलिए करना पड़ता है कि उसके देश में बहुत से लोग समय गंवाते हैं, बेकार में समय गंवाते हैं। यू फॉरगेट वन थिंग, तुम एक बात भूल रहे हो, यू फॉरगेट वन थिंग, ए मैन हैज टू वर्क हार्ड, एक आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, ए मैन हैज टू वर्क हार्ड, ओनली बिकॉज मेनी अदर्स इन द कंट्री आइडल अवे देयर टाइम। अशोक समझाता है, यू फॉरगेट वन थिंग, तुम एक बात भूल रहे हो, ए मैन हैज टू वर्क हार्ड, एक आदमी को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, ओनली बिकॉज मेनी अदर्स इन द कंट्री आइडल अवे देयर टाइम। प्राण, हां, किसी को भी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए। प्राण कहता, हां, किसी को भी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए। वह जेब काट सकता है, काला बाजारी कर सकता है, और यदि चाहे तो तस्करी कर सकता है, वह इसे भी काम समझता है। प्राण कहता, हां, किसी को भी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए। वह जेब काट सकता है, काला बाजारी कर सकता है, और यदि चाहे तो तस्करी कर सकता है। यस नन शुड सिट आइडल, यस नन शुड सिट आइडल, वन कैन पिक द पॉकेट्स, एक आदमी जेब काट सकता है, वन कैन पिक द पॉकेट्स, डू ब्लैक मार्केटिंग आर स्मगलिंग इफ वन लाइक्स। प्राण कहता है, परिश्रम को, वह हर चीज को परिश्रम ही समझ लेता है। वो अपना तर्क देता है, हाँ, किसी को भी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए। वह जेब काट सकता है, काला बाजारी कर सकता है, और यदि चाहे तो तस्करी भी कर सकता है। यस नन शुड सिट आइडल, वन कैन पिक द पॉकेट्स, एक आदमी जेब काट सकता है। डू ब्लैक मार्केटिंग, वह काला बाजारी कर सकता है, आर स्मगलिंग अथवा तस्करी भी कर सकता है, इफ वन लाइक, अगर चाहे तो। अशोक कहता, लेकिन यह तो उससे भी बुरा है, यानी निकम्मा बैठ के समय गंवाने से भी बुरा यह है। अशोक समझाता है, लेकिन यह तो उससे बुरा है, उससे मतलब समय गंवाने से भी बुरा है। बट दिस इज इवन वर्स देन दैट, बट दिस इज इवन वर्स देन दैट, यह तो उससे भी बुरा है। प्राण कहता, बुरा कैसे है, पैसा कमाना और तरक्की करना तो बुरा नहीं है। प्राण अपना तर्क देता है, बुरा कैसे है, पैसा कमाना और तरक्की करना तो बुरा नहीं है। हाउ इज इट बैड, यह कैसे बुरा है। कहता है, बुरा कैसे है,
हाउ इज इट बैड? पैसा कमाना और तरक्की करना तो बुरा नहीं है। इट इज नॉट बैड टू अर्न मनी, इट इज नॉट बैड टू अर्न मनी एंड इम्प्रूव वंस लिविंग, इट इज नॉट बैड टू अर्न मनी एंड इम्प्रूव वंस लिविंग। अपनी तरक्की करना और पैसा कमाना बुरा नहीं है। हाउ इज इट बैड? इट इज नॉट बैड टू अर्न मनी एंड इम्प्रूव वन लिविंग। अशोक कहता है, दूसरों के साथ धोखा करके अपनी तरक्की को सोचने वाला गद्दार है। अशोक समझाता है, दूसरों के साथ धोखा करके अपनी तरक्की को सोचने वाला गद्दार है। वन हु इम्प्रूव्स हिज लिविंग एट अदर्स कॉस्ट इज ए ट्रेटर, देशद्रोही है, गद्दार है। दूसरों के साथ धोखा करके अपनी तरक्की को सोचने वाला गद्दार है। वन हु इम्प्रूव्स हिज लिविंग एट अदर्स कॉस्ट इज ए ट्रेटर। प्राण यह तो व्यापार है, देश को धोखा देना नहीं। प्राण अपना तर्क देता है, यह तो व्यापार है, जीव काटना, ब्लैक मार्केटिंग करना, तस्करी करना, वो व्यापार समझता है। करा दिस इज बिजनेस, इट्स नॉट चीटिंग द कंट्री, या देश को धोखा देना नहीं है। इट्स नॉट चीटिंग दी कंट्री, यह तो व्यापार है, देश को धोखा देना नहीं। दिस इज बिजनेस, इट्स नॉट चीटिंग दी कंट्री। अशोक, इसे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। अशोक समझाता है, इसे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इट वीकेंस द कंट्रीज इकोनॉमी, इट वीकेंस यह कमजोर बनाता है दी कंट्रीज इकोनॉमी। अशोक कहता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इट वीकेंस दी कंट्रीज इकोनॉमी। प्राण कहता, वह कैसे कैसे कमजोर होती है? अशोक, निर्माता चीजों का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता उनका इस्तेमाल करते हैं, काले धंधे रुकावट डालकर दोनों का नुकसान पहुंचाते। अशोक, निर्माता चीजों का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता उनका इस्तेमाल करते हैं, काले धंधे वाले रुकावट डालकर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स, निर्माता चीजों का उत्पादन करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स सामान, सामग्री, चीजें, वस्तुएं। मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स, कंज्यूमर्स यूज देम, उपभोक्ता उनका इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर्स यूज देम, काले धंधे रुकावट डालकर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। द ब्लैक मार्केटियर्स क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, द ब्लैक मार्केटियर्स क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द टू एंड हार्म देम। करा मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स, मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स, कंज्यूमर्स यूज देम, द ब्लैक मार्केटियर्स क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, और रोक डालते हैं, बाधा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बिटवीन द टू एंड हार मध्यम, प्राण तस्करी करने में तो कोई हर्ज नहीं है। प्राण कहता, तस्करी करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, बट इज देयर एनी हार एनी स्मगलिंग? प्राण कहता, तस्करी करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, बट इज देयर एनी हार एनी स्मगलिंग? बट इज देयर एनी हार इन स्मगलिंग? अशोक, तस्करी तो काले धंधे से भी बुरी है, तस्करी तो काले धंधे से भी बुरी है। स्मगलिंग इज वर्स देन ब्लैक मार्केटिंग।
तस्करी तो काले धंधे से भी बुरी है, स्मगलिंग इज वर्स देन ब्लैक मार्केटिंग। इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो के अंतर्गत तस्करी, कालाबाजारी, जेब कटना, समय गंवाना, ये बहुत सारी बातें हैं जो क्राइम के अंतर्गत आती हैं, जिसका डिस्कशन दो पात्रों के बीच में किया गया है और एक दूसरे को किस प्रकार से वह समझाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।